अपने विकास की भूख को संतोष कर सके ऐसा एक नेता चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिया। श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव का नेता बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसके कारण लोगों के मन में जो आशाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, अपने आप ही आशाएं नहीं जुड़ी है मित्रों, इसके पीछे 12 साल की तपश्चर्या इसके पीछे बल दे रही है। मित्रों, नरेंद्र भाई जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस वक्त देश भर का एक चित्र ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद, यूपीए की सरकार आने के बाद जिस तरह की अव्यवस्था देश में शुरू हुई उससे देश की जनता का भरोसा उठ गया था कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी कल्याण राज्य की स्थापना हो सकती है। यह भरोसा देश की जनता खो बैठी थी और दूर सुदूर गुजरात देश के कोने में नरेंद्र भाई ने 12 साल तक सरकार चलाई और धीरे 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 गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चित हुआ और उस गुजरात मॉडल के कारण एक भरोसा देश में खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी वो सरकारें इस तरह से चली कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश में सुशासन ला सकती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो देश को कल्याण राज्य दे सकते हैं। इसके कारण ही मित्रों हमारे देश की जनता ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा है। मित्रों, जनता के मन में जो कुशासन के प्रति, महंगाई के प्रति, असुरक्षा के भाव के प्रति, सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो रही थी उसके प्रति जो आक्रोश था उसको सफलतापूर्वक हमने वाचा देने का काम किया। हमारे चुनाव अभियान ने लोगों के आक्रोश को एक आशा में परिवर्तित किया और आशा को मत में परिवर्तित किया और मत को सीट में परिवर्तित किया। हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस काम को मित्रों बल दिया है। बूथ पर दिन रात मेहनत करने वाला कार्यकर्ता हो या हमारी सैद्धांतिक भूमिका के समर्थन में ट्विटर या फेसबुक पर लड़ाई लड़ने वाला कोई साहिब योद्धा हो, किसी ने अपने धन्यवाद के पत्र की अपेक्षा भी नहीं रखी। सब लोगों ने, समाज जीवन के कई लोग, कई संस्थाएं, कई नेता अपने आप भारतीय जनता पार्टी के अभियान के साथ जुड़े और मानो भारतीय जनता पार्टी के विजय का अभियान भारतीय जनता पार्टी का न रहते हुए समाज का एक अभियान बन गया और अंततोगत पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। मित्रों, मैं बार इसलिए मानता हूं कि हमने जो नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार वो नारा को जनता ने ठीक से स्वीकारा है। मित्रों, इस प्रचार अभियान का अगर एक कार्यकर्ता के नाते हम एनालिसिस करें तो कई नई पद्धतियां हमने इस बार अपनाई थी। जो नई तौर तरीके हमने अपनाए, चाय पे चर्चा हो या 3D से सभाएं हो या अलग प्रकार की कई बातें हमने अपनाई थी, इसके कारण इस प्रचार अभियान को वेग मिला। मित्रों, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने के बाद एक अथक प्रयास उन्होंने जनता के अंदर जागृति लाने का किया था, उसको थोड़ा आंकड़ों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने के बाद 437 बड़ी सभाएं हुई जिसको मोदी जी ने संबोधित किया। कुल 5827 जनसंपर्क अभियानों में उन्होंने हिस्सा लिया और 25 राज्यों में 3,00,000 किलोमीटर की यात्रा कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। मित्रों, मैं मानता हूं कि शायद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान था, एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान था। किसी भी देश के नेता ने इस तरह का जनसंपर्क अभियान नहीं करा होगा। मगर अभियान के बाद विजय से हमारा अभियान समाप्त नहीं होता, विजय से हमारे अभियान की शुरुआत होती। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये न समझे कि भारत कांग्रेस मुक्त हो गया।